दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा, ऑनलाइन स्टडी विथ DK में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविदा शिक्षक वर्ग 3, जो पुराना पेपर आया था दोस्तों 2012 में, उसमें जो पर्यावरण सब्जेक्ट आया था उसमें जो प्रश्न आए थे वो लेके आया हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब वृष्टि सरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बादल, वर्षा, हिम, जलवाष्प, तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा। बी। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ओजोन। सी। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, धर्म पर्यावरण का घटक नहीं है। अगला है चौथा, द्रवित मेघना से बने सेल, यानी सेल को क्या कहते हैं दोस्तों? चट्टान को कहते हैं। आग्नेय, औषधि, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, कायांतरित। अगला है पांचवा, नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, फूल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, मत्स्य उत्पादन से। अगला है दोस्तों छठा, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पहला, पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा जीवन प्रयत्न नहीं दी जानी चाहिए, संपूर्ण विकास एवं समस्त के लिए होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, पर्यावरण शिक्षा जीवन प्रयत्न नहीं दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी, जल का संरक्षण, वनों का विकास या भूमि अपरदन। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, जल का संरक्षण। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता, तो स्वास्थ्य, योग, संगीत या ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता? इतिहास को, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन। दोस्तों इसका आंसर किया जाएगा व्यावसायिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान तीनों आते हैं, और व्यावसायिक अध्ययन किसमें आते हैं? कॉमर्स में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। अगला प्रश्न है ग्यारहवा, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलों दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है? तो पहला, खेलकूद द्वारा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा, परीक्षाओं द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों बी, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। अगला प्रश्न है बारहवां, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 जून, 5 जून, 20 जून या 2 जून। तो इसको कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतियोगिता में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? पहला है ग्रीन ओलंपियाड, दूसरा वन महोत्सव,
तीसरा पर्यावरण प्रदर्शनी या चौथा पर्यावरण दिवस, तो इसका आएगा दोस्तों सी पर्यावरण प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण की संसाधनों का अधिकतम उपयोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। अगला है 15वां, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है, तो किस राज्य को मिल रहा है दोस्तों, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिल रहा है। अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय हास्य के कारण उत्पन्न होती है, भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग या ये सभी, तो दोस्तों इसका आंसर डी ये सभी। अगला है 17वां, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है, पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची बनाना या ये सभी, तो इसका आंसर है दोस्तों डी ये सभी। अगला है 18वां, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है, केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग या ये सभी, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग बाढ़ की चेतावनी देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा या फिर खानों से प्राप्त कचरा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कृषि से प्राप्त कचरा, जिससे जल प्रदूषण नहीं होता। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है, तो कौन सी गैस है दोस्तों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पटन, पटन को क्या बोलते हैं दोस्तों, बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है, तो कहाँ पर, चेन्नई, तुतिकोरिन, पारादीप या विशाखापट्टनम, तो कहाँ पर है दोस्तों, पारादीप, पारादीप इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि सहयंत्र निर्मित करता है, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों डी सूचना प्रौद्योगिकी। अगला है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, दोस्तों जम्मू और कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में या झारखंड में, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों, सी राजस्थान। अगला है, सौर ऊर्जा एक है क्या है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, परमाणु ऊर्जा का स्रोत, ज्वारी ऊर्जा का स्रोत, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है 25वां, मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है, भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा या भूस्खलन, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी रासायनिक आपदा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ढक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार, तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों डी तिब्बत का पठार। अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल, किसको कहते हैं दोस्तों, सी शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन, रबड़, तो इसका आ जाएगा दोस्तों पटसन या जूट। अगला प्रश्न है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती है, गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी जलवायु में, इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ मिलती है दोस्तों बी गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है, डिप्थीरिया, ट्रांसलिटिक, डायरिया या फिर खसरा, तो इसका आंसर है दोस्तों डायरिया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और मैं और भी ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों जो ओल्ड पेपर है वर्ग 1, 2, 3, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप
जितने भी पेपर में लेकर आए उनको मिस ना करें, ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।